करगिल विजय दिवस पर आज पूरा देश युद्ध नायकों को याद कर रहा है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन सेना ने करगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों को बाहर निकाला था। करगिल युद्ध 60 से अधिक दिनों तक चला था और अपने क्षेत्रों पर भारत के फिर नियंत्रण होने के साथ समाप्त हुआ था। भारतीय सैनिकों ने 18,000 फुट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में करगिल युद्ध लड़ा था। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लालगेट सबेरिया कैंट स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने करगिल विजय के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि करगिल में हमारे 527 जाबाज सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड के 75 जवान शामिल थे। राज्यपाल ने कहा कि सेना में रहते हुए उन्होंने करगिल क्षेत्र को बड़े करीब से देखा है। सभी वीर जवानों के परिवारों और वीरांगनाओं की हर संभव मदद करना शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि करगिल युद्ध में उत्तराखंड के सपूतों ने बलिदान दिया, राज्य उन वीर सैनिकों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। हमारे उत्तराखंड के अंदर जितने दिनों भी ये युद्ध चला, शायद कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन उत्तराखंड का कोई न कोई लाल तिरंगे में लिपटकर उसका पार्थिव शरीर न पहुंचता। हर दिन पार्थिव शरीर पहुंचा और मैं तो छोटा था, बचपन से मैंने सेना को नजदीक से देखा है। सेना के साथ किस प्रकार का जीवन होता है, उनके परिवार के लोगों की उस समय क्या मनस्थिति होती है, इस बात को मैं भली भांति समझता हूं। मैंने उसको नजदीक से महसूस किया है क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ। लड़ाई लगना बोलते थे, लड़ाई लग रही है। और कितने ऐसे थे कारगिल के युद्ध से पहले, जितने युद्ध हुए हमारे सैनिकों का पार्थिव शरीर उनके घरों तक भी नहीं पहुंचता था, उनके घरों तक भी नहीं पहुंचता था। केवल एक तार आ जाता था। क्यों बड़ोला साहब, पहले के समय में यही होता था ना, तार आता था। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का था। परमवीर चक्र विजेता है, अशोक चक्र विजेता है, महावीर चक्र विजेता है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है, शौर्य चक्र है, गैलेंट्री मेडल है। इन सभी को हमने अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ये 30 लाख से 50 लाख हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, हमने इसकी राशि बढ़ाई है। अभी हमने अपनी मंत्रिमंडल में इस बात का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से महावीर चक्र का भी 20 लाख से हमने 35 लाख किया है। कीर्ति चक्र 20 लाख से 35 लाख, वीर चक्र और शौर्य चक्र 15 से 25 लाख, सेना गारंटी मेडल 7 लाख से 15 लाख किया है और मेंशन इन डिस्पैच में 3.5 लाख से 10 लाख करने की भी मंजूरी हमने इस बार अपने मंत्रिमंडल में दिया है। ऐसे अनेकों काम हमने किए हैं। हम जो हमारे बच्चे आज सेना में जाना चाहते हैं, एनडीए में, सीडीएस में, या जो हमारी अन्य परीक्षाएं हैं, पीसीएससी परीक्षाएं हैं, लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में जो प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे, उन सभी बच्चों को हमने कहा है आगे की तैयारी करने के लिए 50 लाख रुपए की सहायता हमारी सरकार देगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शहीद के परिजनों और वीरांगनाओं के लिए राज्य सरकार जरूरी प्रयास कर रही है। जो हमारे सैनिक शहीद हैं उनके परिवार के लोगों को, उसमें से नौकरी में एक सदस्य को समायोजित भी कर रही है, उसकी भी हम व्यवस्था धीरे धीरे बना रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की जो वीरांगनाएं हैं, वेटरन हैं, उनको भी 8,000 रूपये से बढ़ाकर 10,000 रूपये हमारी सरकार ने किया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवाओं को 21,000 से बढ़ाकर हमने 25,000 किया है। देहरादून में जो गुनियाल गांव में जो पूरे उत्तराखंड का हमारा जो सैन्य धाम बनेगा,
जिसमें 4 हेक्टेयर भूमि प्रदेश के शहीदों की स्मृति में समस्त शहीदों के नाम अलंकृत कर अत्याधुनिक एवं समस्त सुविधाओं से युक्त शौर्य स्थल सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसका हमने लक्ष्य लिया है कि अगले दिसंबर माह तक हम उसको पूरा कर लेंगे। कार्यक्रम में करगिल युद्ध के साक्षी रहे ब्रिगेडियर दिनेश बडोला ने युद्ध से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। बजे मुझे हुक्म मिला कि आप फॉर्म बेस पे पहुंच जाइए और 6 तारीख की रात को आपका अटैक होगा ट्विन बम पे। तो 5 तारीख को तकरीबन 6 बजे के करीब रात के शाम के हम लोगों ने फॉर्म बेस की तरफ हम रवाना हुए और तकरीबन 9 घंटे की दुर्गम चढ़ाई के बाद मैं तकरीबन सुबह 2 बजे 6 तारीख को फॉर्म बेस में पहुंचा अपने ट्रुप्स के साथ। मेरे साथ मेरी डेल्टा कंपनी थी और अल्फा कंपनी जो कि रिजर्व में थी वो मेरे साथ थी। 6 तारीख की रात को तकरीबन 9 बजे हमारा अटैक जाना था, मेरी कंपनी ने आगे बढ़ना था ट्विन बम की तरफ, पर तकरीबन 8:30 बजे 2 बम मेरे फायर बेस पे गिरे जिससे हमारा पूरा फायर बेस नष्ट हो गया। मेरे 7 जवान वहां शहीद हुए, क्योंकि अटैक में फायर बेस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत महत्व होता है, तो इसलिए मुझे अटैक डिले करना पड़ा 1.5 घंटे तक। 10:30 बजे मेरे अटैकिंग ट्रुप्स अटैक के ले गए और दूसरे दिन 7 तारीख को तकरीबन शाम के 4 बजे तक हमने ऑब्जेक्टिव पे कब्जा कर लिया। उसके बाद हमारे ट्रुप्स उनके नजदीक ही एक मोटर पोजीशन थी उस पर रेड के ले गए और 7 तारीख की रात तक हमने मोटर पोजीशन पे कब्जा कर लिया था।